वेलकम बैक व्यूअर्स, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SSB टू सक्सेस पर। हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर। दोस्तों, इंडियन आर्मी दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है, जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का लार्जेस्ट कंपोनेंट है। कमांड फोर्सेस की यह लैंड बेस्ड ब्रांच है, जो देश का गर्व है। इंडियन आर्मी देश सेवा के लिए हमेशा तत्पर रही है, फिर चाहे वह 1962 की इंडो चाइना वॉर हो या 1999 का कारगिल युद्ध। वॉर्स के अलावा देश के सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा, आपदा के दौरान मदद व देश में शांति बनाए रखने में भी भारतीय सेना का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इंडियन आर्मी में फिलहाल लगभग 1.4 मिलियन एक्टिव ट्रूप्स हैं एंड 1.1 मिलियन रिजर्व ट्रूप्स हैं। इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है एंड इट इज़ कंट्रोल्ड बाय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। आपको बता दें कि इंडियन आर्मी का सुप्रीम कमांडर भारत के राष्ट्रपति होते हैं। दोस्तों, इतनी बड़ी आर्मी को संभालने के लिए आर्मी में रेजिमेंटल सिस्टम का इस्तेमाल होता है। इस सिस्टम के तहत इंडियन आर्मी को 7 कमांड्स में डिवाइड किया गया है। आपको बता दें कि इन कमांड्स को ज्योग्राफी एंड ऑपरेशंस के बेसिस पर बाइफरकेट किया गया है। इन कमांड्स में 6 ऑपरेशनल एंड 1 ट्रेनिंग कमांड होती है। हर कमांड का हेड जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, दैट इज लेफ्टिनेंट जनरल होता है। साथ ही हर एक कमांड आर्मी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली से एफिलिएट होकर आती है। आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम इंडियन आर्मी की इन 7 कमांड्स को थोड़ा और विस्तार से जानेंगे। इंडियन आर्मी की कमांड्स को डिटेल में जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें एंड क्लिक ऑन बेल आइकन टू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम SSB टू सक्सेस। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेंट्रल कमांड की। यह कमांड लखनऊ UP में बेस्ड है। सेंट्रल कमांड 1942 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद स्टैब्लिश हुई थी। 1946 में कुछ इश्यूज की वजह से यह बैन हो गई थी। 1962 में हुई सीनो इंडिया वॉर की वजह से इसे 1 मई 1963 में रीएस्टेब्लिश किया गया। आपको बता दें कि इस कमांड ने वर्ल्ड वॉर सेकंड में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उस समय इंडियन आर्मी वर्ल्ड वॉर सेकंड का पार्ट थी। नेक्स्ट कमांड इज नॉर्दर्न कमांड। यह कमांड उधमपुर जम्मू एंड कश्मीर में बेस्ड है। यह कमांड इंडिया की इंडिपेंडेंस के पहले से एक्टिव है, बट 1947 में देश की आज़ादी के बाद इस कमांड को हटा दिया गया। परंतु बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नॉर्दर्न बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए सेपरेट कमांड को रेज करने का फैसला किया, तो 1972 में इस कमांड को इम्प्रूव किया गया। तो इस तरह नॉर्दर्न कमांड दोबारा रीएस्टेब्लिश्ड 1972 में हुई। एट प्रेजेंट 7 डिवीज़न, 3 कॉर्प्स एंड 1 ब्रिगेड वर्किंग अंडर नॉर्दर्न कमांड। अब बात कर लेते हैं वेस्टर्न कमांड की। यह कमांड चंडी मंदिर हरियाणा में है। इस आर्मी कमांड को 26 अक्टूबर 1947 में स्टार्ट किया गया था, तब से ये कमांड एक्टिव है। वेस्टर्न कमांड में 1947, 1965 एंड 1971 के इंडो पाक वॉर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एट प्रेजेंट इस कमांड की 9 डिवीजन्स, 3 कॉर्प्स एंड 6 ब्रिगेड वर्किंग में है। नेक्स्ट आर्मी कमांड इज ईस्टर्न कमांड। इस कमांड का हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। यह कमांड 1920 में स्टैब्लिश हुई थी। यह आर्मी की 5th कमांड थी। इससे पहले आर्मी की 4 कमांड इस्टेब्लिश हो चुकी थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1 मई 1963 में लखनऊ को ईस्टर्न कमांड के हेडक्वार्टर के लिए चूज़ किया गया था, बट बाद में कोलकाता को दोबारा ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर बना दिया गया। इस कमांड ने 1971 के इंडो पाक वॉर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
इट कैप्चर ईस्टर्न पाकिस्तान अंडर द कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जे एस अरोरा एट प्रेजेंट 12 डिविजन्स एंड 4 कॉर्प्स आर वर्किंग अंडर दिस आर्मी कमांड इंडियन आर्मी की नेक्स्ट कमांड है साउदर्न कमांड यह कमांड पुणे महाराष्ट्र में बेस्ड है साउदर्न कमांड 1895 से एक्टिव है वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय अप्रैल 1942 में यह कमांड दोबारा रिफॉर्म हुई साथ ही इस कमांड ने 1965 एंड 1971 के इंडो पाक वॉर में पार्टिसिपेट किया तथा इन वॉर्स को जीतने में अहम भूमिका निभाई इसके अलावा एनेक्सेशन ऑफ गोवा में भी इस कमांड का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल रहा एट प्रेजेंट साउदर्न कमांड के अंडर 5 डिवीज़न 3 ब्रिगेड एंड 2 कॉर्प्स वर्क करते हैं नेक्स्ट कमांड इज साउथ वेस्टर्न कमांड यह कमांड जयपुर राजस्थान में बेस्ड है आपको बता दें कि यह इंडियन आर्मी की न्यूएस्ट कमांड है जो 15 अप्रैल 2005 में एस्टेब्लिश हुई थी साउथ वेस्टर्न कमांड फुल्ली ऑपरेशनल 15 अगस्त 2005 में हुई थी एट प्रेजेंट इस कमांड में 7 डिविजन्स 2 कॉर्प्स एंड 3 ब्रिगेड वर्क करते हैं लास्ट कमांड ऑफ इंडियन आर्मी इज आर्मी ट्रेनिंग कमांड यह कमांड शिमला हिमाचल प्रदेश में बेस्ड है दिस कमांड इज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1 अक्टूबर 1991 प्रीवियसली यह कमांड मध्य प्रदेश में बेस्ड थी बाद में शिमला में शिफ्ट कर दी गई जैसा कि इस कमांड के नाम से ही पता चलता है आर्मी ट्रेनिंग कमांड का मेन एम आर्मी के ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देना है जिससे आर्मी ऑफिसर बेहतरीन तरीके से अपनी ड्यूटीज़ को निभा सके तथा एक इफ़ेक्टिव सोल्जर बनके देश की सेवा और बेहतर तरीके से कर सके आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह कमांड नोडल एजेंसी है फॉर ऑल इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग इन द इंडियन आर्मी तो दोस्तों ये थी इंडियन आर्मी की 7 कमांड्स व उनके हेडक्वार्टर्स के बारे में पूरी जानकारी यह कमांड्स ही इंडियन आर्मी को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी और सशक्त आर्मी बनाती है सभी कमांड्स अपने आप में बेहतरीन हैं यह तो बस जरिया है इतनी बड़ी भारतीय सेना को संचालित करने का उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें ताकि हर एक डिफेंस एस्पिरेंट तक ये जानकारी पहुंच सके आस्क योर क्वेरीज इन कमेंट सेक्शन मिलते हैं आपसे हमारे अपकमिंग वीडियो में टिल देन जय हिंद